अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है पुलिस की पावर्स एंड ड्यूटीज़। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीआरपीसी डायरेक्टली पुलिस को अनलिमिटेड और अल्टीमेट पावर्स प्रोवाइड करती है। सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के बाद अगर किसी को डायरेक्टली पावर्स देती है तो वो पुलिस है। पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपे की, बलोचिस्तान पुलिस, कोई भी पुलिस हो फेडरल की। लाइक अगर ये इंडिया के अंदर है लेक्चर, इंडिया के अंदर लेक्चर सुना जा रहा है, तो वहाँ पर सीआरपीसी इंडियन पुलिस को ये पास देती है, चाहे वो किसी भी रियासत की, किसी भी एरिया की, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के तमाम प्रोवेंस को डायरेक्ट ये पास देती है। और ये अनलिमिटेड पावर्स हैं। ये पावर्स मजिस्ट्रेट के अलावा अगर किसी शख्स के पास है तो वो पुलिस के पास है। इवन दो ये पावर्स वज़ीर आज़म के पास भी मौजूद नहीं होती। किसी भी शख्स को किसी भी वक्त अरेस्ट कर लेना, उठा लेना, बंद कर देना, ये पावर्स मजिस्ट्रेट के अलावा सिर्फ पुलिस के पास है। डायरेक्टली ये लॉ पुलिस को ये पावर्स देता है। लेकिन इस पावर्स के साथ साथ पुलिस की कुछ ड्यूटीज़ भी इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर में इम्पोज की जाती हैं। ये चैप्टर है 13 सीआरपीसी का, सेक्शन 149 से आज हम 153 तक पढ़ेंगे पुलिस की पावर्स और ड्यूटीज़। बेसिकली तो इस चैप्टर में पुलिस की पावर्स और ड्यूटीज़ का जिक्र नहीं है। ये आपको समझाने के लिए, आपकी आसानी के लिए बताया गया कि ये जो चैप्टर है ये स्पेसिफिकली पुलिस को कुछ ड्यूटीज़ उनके ऊपर इम्पोज करता है और कुछ पावर्स पुलिस को अनलिमिटेड अल्टीमेट पावर्स देता है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे, उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, दो लोगों की हेल्प। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ। और अगर इस लेक्चर को सुनने वाले पुलिस ऑफिसर हैं तो जो दो लोगों की हेल्प करनी है उसकी इवज़ के अंदर वो दो लोगों को, बेगुनाह लोगों को जुर्म से बचा लें, वो दो बेगुनाह लोगों को नाजायज़ फंसने से FIR के अंदर या पुलिस की और किसी चुंगल में फंसने से बचा लें, या दो बेगुनाह लोगों को हत्तुल अमकान अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर गुनहगार डिक्लेयर ना करें, ये मेरी फीस के लिए काफ़ी है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 149। सीआरपीसी सेक्शन क्या कहता है? पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस की ये ड्यूटी है। एवरी पुलिस ऑफिसर मे इंटरपोज, मुदाखलत कर सकता है, फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग द कॉग्निजेबल ऑफेंस शेल। शेल वर्ड, अच्छा एक और चीज, लॉ में दो वर्ड मोस्टली यूज होते हैं, शेल और विल। शेल और मिल, शेल और में, जहां पर वर्ड शेल यूज होगा इसका मतलब है कि लॉ हुक्म दे रहा है कि यह काम करना है, इस काम में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए यह काम करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, दो राय नहीं है, जहां पर वर्ड शेल आ रहा है। और शेल का वर्ड मोस्टली पुलिस को जहां पर भी हुक्म दिया गया है लॉ में, डायरेक्शन दी गई है या कोई पार्ट दी गई है, वहां पर शेल का वर्ड जरूर यूज होगा, क्योंकि पुलिस को यह इख्तियार नहीं कि वो ये आइडेंटिफाई कर ले, मां सिवाय एक सेक्शन के, उस सेक्शन के अंदर पुलिस को बेहद पावर्स मिलती हैं, उसकी भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूंगा इसी सीआरपीसी सीरीज के अंदर। जहां पर वर्ड शेल आ गया और शेल के बाद लॉ जिसको भी मुखातिब कर रहा है, लाइक अगर जज को मुखातिब कर रहा है तो जज को यह हुक्म है कि उसने यह करना ही करना है। अगर पुलिस को मुखातिब कर रहा है लॉ तो पुलिस को यह हुक्म है कि उसने यह करना ही करना है। मोस्टली सीआरपीसी के अंदर लॉ सिर्फ दो ही स्पेसिफिक बॉडीज को मुखातिब करता है, या तो जज को मजिस्ट्रेट की सूरत में, या सेशन जज साहब की सूरत में, या हाई कोर्ट की एक सेक्शन है जिसकी सूरत में हाई कोर्ट को मुखातिब किया जाता है। उसके बाद जो सीआरपीसी है यह सिर्फ पुलिस को मुखातिब करती है जुडिशरी के बाद, इसके अलावा किसी और प्राइवेट बॉडीज के कुछ सेक्शंस हैं बट स्पेसिफिक बॉडीज जो हैं, प्राइवेट पर्संस के कुछ सेक्शंस हैं बट स्पेसिफिक बॉडीज के अंदर पुलिस और जुडिशियल डिपार्टमेंट है जिनको लॉ मुखातिब करता है सीआरपीसी के अंदर। जहां पर वर्ड शेल आएगा तो वो ये काम करेगा ही करेगा, कोई दूसरी राय नहीं। और जहां पर वर्ड मे आएगा वहां पर उसकी डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, स्वाभिदी पावर्स हैं, डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, उसका जो दिल करे वो कर सकता है। लाइक अगर उसका दिल करे तो करे, अगर उसका दिल करे तो ना करे, अगर उसका दिल करे तो वैसे करे, अगर उसका दिल करे तो ऐसे करे। या तो लॉ ने वहां पर दो राय दे दी होंगी, या फिर लॉ ये कह देता है कि मे जैसे आपको मुनासिब लगेगा, जो मे फिट थिंक इट वो आप कर सकते हो। लेकिन वर्ड जो मे है ये सिर्फ जुडिशरी के इख्तियारात में यूज किया जाता है, पुलिस के अंदर ये इख्तियारात नहीं है।
पुलिस को ये इख्तियारात आम तौर पर नहीं दिए जाते। ये इख्तियारात मे वाले जो इख्तियारात हैं कि जैसे आपको मुनासिब लगे कानून के तकाजों को फुलफिल करने के लिए वो आप कर सकते हैं, तो लिहाजा ये मे का वर्ड जुडिशरी को रेफर किया जाता है। तो लिहाजा पुलिस ऑफिसर शैल किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए हर मुमकिन हद तक वहां पर इंटरफेयर करेगा, टू हिज बेस्ट एबिलिटी अपनी बेहतरीन सलाहियत को बुरेकार लाएगा, प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी भी कॉग्निजेबल कमीशन ऑफ ऑफेंस से बचाने के लिए लोगों को, माशरे को, सोसाइटी को पुलिस वाले अपनी बेहतरीन हिकमत अमली को ब्रोए कर लाएंगे। लाइक अगर दो लोग पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन नहीं की, पुलिस की पार्टी गश्त कर रही है, रात का टाइम है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं या एक जगह पर डिकेटी हो रही है, तो पुलिस इस चीज का इंतजार नहीं करेगी कि जी अभी तो FIR ही नहीं गई, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो गश्त पर है। नो, पुलिस की यह जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेल टू हिज बेस्ट एबिलिटी अपनी बेहतरीन एबिलिटी को इस्तेमाल करेगी उस डकैती से लोगों को महफूज रखने के लिए, उस लड़ाई से अवामुन्नास का अमनो ईमान तबाह होने से लोगों को बचाने के लिए, अवामुन्नास को सिक्योर रखने के लिए लड़ाई झगड़े को रुकवाएगी, लोगों को अरेस्ट करेगी, 107 151 की FIR उनके ऊपर देगी, या अगर डकैती हो रही, कोई और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उससे रोकने के लिए अपना हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। वहां पर यह नहीं कहेगी जी हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे पास तो कोई FIR ही नहीं आई, कंप्लेन ही नहीं आई। नो, वहां पर उसने करना ही करना है। तो लिहाजा जो 149 सेक्शन है ये आ गया ड्यूटी पुलिस की, ये पुलिस की ड्यूटी के अंदर आ गया। अगला सेक्शन है 150, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट सच ऑफेंस। पुलिस के पास जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, पुलिस उस इंफॉर्मेशन को कंसर्न स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO या कंसर्न सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ट्रांसफर करेगी। लाइक आप 15 पे जो कॉल करते हो, 115 पे आप जो कॉल करते हो, ये कॉल बेसिकली डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो हेड ऑफिस है, जो DPO का ऑफिस है, वहां पर भी सुनी जाती है, और पुलिस का जो प्रोवेंशियल हेड ऑफिस है वहां पर भी रिकॉर्ड होती है। तो जहां पर भी इस कॉल को कोई रिसीव कर रहा है, कोई शख्स किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो 15 पे कॉल रिसीव करने वाला कंसर्न थाने को आगे इतला करेगा, जो भी कंसर्न थाना होगा कि वहां पर ये एक्ट हो रहा है, लिहाजा इस पर लीगल प्रोसीडिंग की जाए। तो लिहाजा 150 जो है ये भी ड्यूटी आ गई पुलिस की, ये भी पुलिस की ड्यूटी आ गई। अब है 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंस। पुलिस वाले किसी भी शख्स को मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के बगैर, वारंट के बगैर, कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में जहां पर पुलिस को लगे कि ये शख्स कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर सकता है या खतरा है कि ये करेगा या कर रहा है, तो इस सूरत में रात का टाइम है, दिन का टाइम है, पुलिस वाले किसी से परमिशन लेने के मजाज नहीं है, वो इमीडिएटली रिटेलिएशन करेंगे, वो इमीडिएटली रिएक्ट करेंगे और उस शख्स को अरेस्ट करके अवामुन्नास को उसके शर से या आम लोगों के अमनो ईमान को तबाह होने से बचाएंगे और उसको अरेस्ट करेंगे। तो लिहाजा जो 151 सेक्शन है ये आ गई पुलिस की पार। पहले दोनों सेक्शन पुलिस ड्यूटी थे, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अगला सेक्शन 151 पुलिस की पार है जो कि अनलिमिटेड अल्टीमेट पार्स है। नेक्स्ट सेक्शन 152, प्रिवेंशन ऑफ इंक्वायरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सेक्शन भी पुलिस की पार है। ये क्या कहता है, अ पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज, पुलिस वाले अपनी अथॉरिटी पर कहीं पर भी इंटरपोज कर सकते हैं, मुदाखलत कर सकते हैं, टू प्रिवेंट एनी इंजरी अटेम्प्ट टू कमिट इन हिज व्यू ऑफ एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। जहां पर पुलिस को लगे, पुलिस के व्यू में ये लगे कि ये जो एक्ट हो रहा है इससे अवाम को, पब्लिक को, लोगों को इंजरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, मूवेबल ऑफ और इमूवेबल, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लाइक जुलूस निकल रहा है। मोस्टली आपने देखा होगा कि ये मुहर्रम के दिनों में जुलूस से पुलिस वाले परमिशन नहीं दे रहे होते, या आम दिनों में भी अक्सर जलसा जुलूस करने की पुलिस परमिशन नहीं दे रही होती, वो इस सेक्शन के तहत नहीं दे रही होती। पुलिस को लगता है कि जी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर इस जगह पर, या ये जो मजहबी पार्टी है अगर इस जगह पर जलसा करती है, तो दूसरी जो मजहबी पार्टी है, दूसरे फिरके के लोग हैं, उनके जज्बात प्रोवोक होंगे जिससे अमनो ईमान तबाह होने का खतरा है, एक बड़े पैमाने पर दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा होने का खतरा है। तो लिहाजा इस सेक्शन के तहत पुलिस वाले मुदाखलत कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी ऐसे एक्ट के अंदर, और उस एक्ट को रुकवा सकते हैं, रोक सकते हैं डायरेक्टली, ये पुलिस की पार है। तो 152 भी पुलिस की पार्स के अंदर आ जाता है। पहले दोनों सेक्शन पार्स, अगले दोनों सेक्शन ड्यूटी। नेक्स्ट सेक्शन 153, इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। कोई भी पुलिस ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर किसी भी वक्त
अपने मुतलका थाने की हदूद में किसी भी जगह पर वेट वजन की मेजरमेंट कर सकता है। लाइक एक कपड़े वाला है, वो कपड़ा दे रहा है, अब एक गज का जो कपड़ा है वो उसको एक गज से कम दे रहा है। पेट्रोल पंप वाले हैं, वो पेट्रोल दे रहे हैं लेकिन लीटर से कम, शो लीटर हो रहा है दे कम रहे हैं। किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, वहां पर आप चीनी लेने जाते हो, दाल लेने जाते हो, वो तोल कर एक किलो देते हैं लेकिन वो एक किलो वजन में मेजरमेंट में कम है या वेट में कम है, तो आप पुलिस को कंप्लेन करके या पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली वहां पर अगर जाता है इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए पुलिस ऑफिसर जब भी वहां पर जाएगा तो वो डायरेक्टली वहां पर ऑन अथॉरिटी इंटरपोज कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उस तमाम आलात को सीजर करेगा जो भी वो आला है। लाइक अगर पंप है तो उसको भी वो सीजर कर सकता है, कपड़े की शॉप है, किराने की शॉप है, तो उसको सीजराइज करके उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को, कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब को भिजवाएगा। तो 153 भी पुलिस की पार्स के अंदर आ जाता है। ये पुलिस की पार्स ड्यूटीज 5 सेक्शन के ऊपर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे FIR के सेक्शन स्टार्ट होंगे, उनके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पुलिस के डिपार्टमेंट के अंदर एज इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उनके ऊपर भी हम डिटेल लेक्चर्स अपलोड करेंगे। लेक्चर इज कंप्लीट, जल्द हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।